Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Punia. Let's start our study with smiley face and fresh mind. Students, आज हम start करेंगे हमारा 10th chapter जिसका name है menstruation. Menstruation मतलब किसी भी चीज को measure करना, ठीक है? Menstruation में आता है आपका perimeter. Perimeter क्या होता है? Boundary of a shape. Only boundary, अंदर का portion आप include नहीं करते हैं. सिर्फ बाहर बाहर जो लेंथ है वो इंक्लूड करते हैं. जैसे एक सर्कल को बनाने के लिए कितनी लेंथ यूज हुई, उसकी बाउंड्री बाउंड्री के लिए वो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी पेरीमीटर से रिलेटेड है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपकी ये फिगर दे रखी है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर होता है जितनी भी साइड है, अगर सबका सम कर दोगे तो आपका आ जाता है पेरीमीटर. फर्स्ट पार्ट में साइड आपकी क्या क्या दे रखी है. ए पार्ट के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12. तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना है, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर. लेकिन जो बाउंड्री बाउंड्री पे है साइड वो ऐड होती है. बी है, बी में सारी साइड 4 4 है, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5. तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 4 को ऐड कर देंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर. कितना हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, सी पार्ट है, सी में आपको ये शेप दे रखी है. ठीक है, इस शेप में सारी साइड के अलग अलग इसको मेजरमेंट दे रखी हैं आपको, तो सबको ऐड करते जाएंगे. हम यहाँ से शुरू करते हैं, टिक कर देते हैं जिसे हमें पता चल जाए हमने यहाँ से शुरू की. तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस में 1 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस में 3 सेंटीमीटर, प्लस में 1 सेंटीमीटर. टिक पे आ गए हम. इसका मतलब ये है कि हमने यहीं से तो स्टार्ट ही किया था, सारी लेंथ ले ली हमने, सबको ऐड कर देंगे. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 2 22, 25 26, 30, 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 2 35, 35 प्लus 3 38, 38 प्लus 1 39, 39 प्लus 4 43, 43 प्लus 3 46, 46 प्लus 2 48, 48 प्लus 3 51, 51 प्लस 1 52 सेंटीमीटर. इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर. तो जितनी भी लेंथ दे रखी है सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, डी पार्ट भी सेम ऐसे ही है. डी का भी आपको क्या फाइंड आउट करना था, पेरीमीटर. यहां से शुरू कर दो चाहिए, 1 सेंटीमीटर प्लस ये 4 सेंटीमीटर प्लस ये 0.5 सेंटीमीटर प्लस में 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर 1 1 हमने इंक्लूड कर ही लिया था. 1 प्लस 4 5 5.5, 5.5 में 2.5 होगा तो 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2.5 10.5 सेंटीमीटर, 0.5 11 सेंटीमीटर, 11 प्लस 4 15 सेंटीमीटर. तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, थैंक यू क्लास.